सो हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है सागर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर ब्रोस। तो गाइस आज एक और के ड्रामा वाली वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है टॉप 5 बेस्ट के ड्रामा ऑन नेटफ्लिक्स। गाइस के ड्रामा की बात करें तो गाइस सबके नजर में एक वर्ड जरूर आता है जो की है बेस्ट। जी हाँ गाइस, के ड्रामा अधिकतर बेस्ट ही होते हैं। और गाइस जो मैंने तक नोटिस किया हुआ है जितने भी के ड्रामास को देखते समय, वो मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि नेटफ्लिक्स जिस भी के ड्रामे के साथ जुड़ जाता है वो के ड्रामा बहुत बेस्ट हो जाता है। मतलब कि 95% से भी जो के ड्रामे बेस्ट मैंने देखे हुए हैं वो सबके सब नेटफ्लिक्स के थे। तो गाइस मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ टॉप 5 बेस्ट के ड्रामास ऑन नेटफ्लिक्स। तो गाइस जो नंबर 5 पे आता है वो आता है लेजेंड्स ऑफ द ब्लू सी। वेल गाइस मैं बता दूं, नेटफ्लिक्स का मेरा ये फेवरेट के ड्रामा है जो कि बहुत बेस्ट के ड्रामा है। वेल गाइस मैं बता दूं, ये ऑफिशियली हिंदी में डब तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये आपको हिंदी डब में मिल जाएगा। अगर किसी को चेकआउट करना है हिंदी डब का अनऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टोरियन कॉन्सेप्ट है। तो गाइस इसमें जो हमारी फीमेल लीड है वो मरमेट होती है, यानी कि ब्यूटीफुल सुंदर जलपरी। उस जलपरी को हमारे मेन लीड से मुलाकात हो जाती है। अब मुलाकात होने के बाद आगे क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं और जलपरी किस तरीके से हम ह्यूमंस की लाइफ में सर्वाइव करती है और उनके बीच में आखिर में क्या होता है, इनकी क्या केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, यही सब छोटा सा प्लॉट है। लेकिन जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है वो एक बहुत ही अलग तरीके से किया हुआ है। मतलब कि गाइस इतना बढ़िया और ब्रिलियंट तरीके से इसका डायरेक्शन है, इसकी कॉमेडी है जो कि आपको अच्छे से बांध करके रखेगी। आप इस के ड्रामा के एडिक्टेड हो जाओगे और इसे जल्द से जल्दी खत्म कर दोगे। तो ये के ड्रामा देखना मत भूलना, बहुत अच्छा के ड्रामा है। तो गाइस नंबर 4 पे जो आता है वो है किंगडम 1 एंड 2 सीजन, जो कि गाइस एकदम मस्ट वॉच के ड्रामा है। मतलब कि ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो गाइस इसमें होता है कुछ ऐसा है कि हमारा लीड है वो राजकुमार होता है, जिसके राज्य में एक महामारी फैल जाती है जिस बीमारी के चलते लोग मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। वेल मैं बताऊं तो ये जोम्बी की तरीके की है और गाइस ये एक दूसरे को टच में आकर के फैल जाती है, यानी कि अगर कोई किसी को बाइट कर ले। मतलब कि आपने ट्रेन टू बुसान तो देखी होगी, तो उसमें किस तरीके से बीमारी स्प्लिट हो जाती है, तो ये उन्हीं की कहानी है। वेल गाइस इस शो की बात करूं तो गाइस इस शो में बहुत सारे राज आपको देखने के लिए मिलेंगे, सबके पर्दे उठते हुए देखेंगे। और इसमें जो डिटेलिंग कवर अप की हुई है वो बहुत बेस्ट की हुई है। मतलब कि उस समय जिस जिस तरीके के हथियार हुआ करते थे, जिस जिस तरीके के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स और हथियार का इस्तेमाल किया गया है, और मौसम का इफेक्ट पड़ना, मतलब एक एक डिटेलिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब लव रोमांस से अलग हटके अगर आप कुछ देखना चाहते हो के ड्रामा जॉर्ना में, तो आप जाके देख सकते हो, ये के ड्रामा आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है। गाइस नंबर 3 पे आता है एक प्रिजन प्लेबुक, जो कि गाइस एक बहुत अच्छा के ड्रामा है। मतलब कि मैंने पहले ही बता देता कि सभी के ड्रामा मस्ट वॉच की कैटेगरी में आते हैं। वेल मैं अपनी बताऊं तो मैंने के ड्रामा अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैं इसका इंतजार कर रहा था कि कब हिंदी डब में होकर के आएगा, क्योंकि अभी जो मैंने बताया ये 2 के ड्रामे मैंने जस्ट अभी खत्म किए हुए हैं, तो मैं इसको जल्दी ही देख करके अपने चैनल पर रिव्यू डाल दूंगा। तो गाइस ये भी मेरी वॉच लिस्ट में है, तो गाइज आप इसको देख सकते हो, ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी का के ड्रामा है। इसको देख करके आपको कोरिया के जेल से प्यार हो जाएगा, जो कि मतलब बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया। मैंने इसके कुछ साइनोप्सिस पढ़े हुए थे तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप इस के ड्रामा को ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा कैटेगरी का के ड्रामा है। तो गाइज नंबर 2 पे आता है दी वर्ल्ड ऑफ दी मैरिड। वेल गाइज मैं बता दूं, ये के ड्रामा बिल्कुल भी मतलब कि यूनिक स्टोरी का नहीं है, ये के ड्रामा उतना भी कुछ मतलब कि खास स्टोरी लाइन का नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है वो एक अलग ही लेवल। मतलब कि एक हस्बैंड है जो कि अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और जो कि अपनी वाइफ की तनख्वाह पर जी रहा है, वेल वो एक तरीके का विलन ही कह सकते हो आप इसको। इसमें जिस तरीके से उन सब चीजों को दिखाया हुआ है, यकीन मानो आप इसके एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाओगे कि किस तरीके का के ड्रामा। मेरी वीडियो स्पॉइल फ्री होती है तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता इसकी स्टोरी से रिलेटेड। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इसको नंबर 2 पे रखने की एक वजह है। सो गाइस जो नंबर 1 पे आता है वो है रिप्लाई 88। और गाइस की स्टोरी से रिलेटेड बात करें तो हमारे 5 मेन लीड है। जी हाँ गाइस, इसके 5 मेन लीड है। तो गाइस वो सब लोग साथ में रहते हैं और वो और उनकी फैमिली, मतलब 5 मेन लीड की सबकी एक अलग अलग फैमिली है, सब अलग अलग रहते हैं। तो गाइस हमारे 5 मेन लीड और इन 5 मेन लीड की फैमिली, ये सब लोग साथ रहते हैं। अब इनके साथ में रहने के बाद इन जीवन में क्या क्या कठिनाइयां और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसका जो छोटा सा और कॉमन सा जो पॉइंट दिखता है वो उतना सरल है नहीं है। मतलब कि इस के ड्रामे में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफी हद तक आपको इमोशनल कर देंगी। मतलब कि कितने सीन्स तो ऐसे हैं कि आपको रोने पे मजबूर कर देंगे। वेल गाइस मैं बता दूं, इस के ड्रामे में आपको एक एक सीन, एक एक मूवमेंट में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ खींच दिया है, कुछ ज्यादा बढ़ा दिया। वेल मेरे को तो इसके हिंदी डब का इंतजार है, क्योंकि जब ये हिंदी में डब में आएगा
ज्यादातर ऑडियंस है उन सबको पता पड़ जाएगा। तो गाइज इसकी ड्रामे को गाइज इंडिया में उतना ज्यादा फेम मिला नहीं, मतलब कि इसको ज्यादा उतना लोगों का सपोर्ट मिला नहीं जितना कि इसको मिलना चाहिए था। ये के ड्रामा मस्ट वॉच कैटेगरी का, जब भी मैंने इसे नंबर वन पे रख रखा है। तो गाइज वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना जिससे कि इसका पार्ट टू बनाने पे मैं मजबूर हो जाऊं। और गाइज के ड्रामा वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके लिंक डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा, उसको ओपन करके बहुत सारे के ड्रामा का रिव्यू ऑलरेडी कर दिया, चेकआउट करना मत भूलना। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।